तो दोस्त, अगर आपके रिलीविंग लेटर में या आपके किसी लेटर में टर्मिनेशन लिखा हुआ है या एब्सकॉन्डिंग लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली जो टर्मिनेशन होता है या एब्सकॉन्डिंग का केस होता है, वो दो तीन तरीके से हो सकता है। आप कंपनी के साथ में से भी है वो, मैनेजर के साथ में से भी है वो, या वो कंपनी डूब रही हो, या कंपनी की वो पर्टिकुलर ब्रांच कहीं शिफ्ट हो रही हो। तो ऐसे कुछ तीन चार रीजन होते हैं जहाँ पे आपको टर्मिनेशन का केस मिलता है या एब्सकॉन्डिंग का केस मिलता है। तो दोस्त, मैं बता दूं कि अगर किसी कंपनी ने आपको टर्मिनेशन या एब्सकॉन्डिंग दे दिया है, उस केस में आप अगर रिमूव करते हो, सेल्फ रिमूव करते हो कि आपने वो ऑनलाइन गया और वहाँ पे अपनी पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट किया, पीडीएफ को डायरेक्ट एडिट कर लिया और वहाँ पे रिमूव कर दिया कि नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ का, तो वो इलीगल वे होता है, क्योंकि आप उसके थ्रू पकड़े जा सकते हो। क्यों पकड़े जा सकते हो? देखो, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, आप जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो कंपनीज क्या करती हैं, आपके पास जो अटैचमेंट होता है, जो आपने मेल पे दिया होता है या बीजीबी के पोर्टल पे अपलोड किया होता है, तो सेम अटैचमेंट आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं और वहाँ से वेरीफाई होता है। एंड वो प्रॉपर अटैचमेंट चेक करते हैं कि ये अटैचमेंट मेरे यहाँ का है कि नहीं है, अथॉरिटी साइन सिग्नेचर है कि नहीं है, वो सारा कुछ चेक करता है एंड अपने डेटाबेस से मैच करते हैं कि जो हमने टर्मिनेशन दिया था कि एब्सकॉन्डिंग दिया था, देन आपका वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इस हिसाब से आप वहाँ पे एब्सकॉन्डिंग या टर्मिनेशन पकड़ा जा सकता है। बट दूसरा जो केस है, आप उस कंपनी से चाहो तो रिमूव करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम रेजिग्नेशन वहाँ पे डाल के और कंपनी को तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, तो टर्मिनेशन मिल जाता है, एब्सकॉन्डिंग मिल जाता है वहाँ से, या कुछ और रीजन भी होते हैं, मल्टीपल रीजन। तो वहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी अगर आप दे देते हो उनको, या कुछ अमाउंट होता है जो आपसे कंपनी बोलती है कितना आप दो, आपकी बेसिक सैलरी 50,000, 30,000, 15,000 जो भी होती है, तो वो आप कंपनी को पे करोगे, तो वहाँ से आपका टर्मिनेशन या एब्सकॉन्डिंग हट सकता है। अगर कंपनी ने एक बार हटा दिया टर्मिनेशन एब्सकॉन्डिंग, तो फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो अपने डेटाबेस में चेंजेस करते हैं और वहाँ से आपका टर्मिनेशन हट सकता है। बट सेल्फ टर्मिनेशन एब्सकॉन्डिंग मैं सजेस्ट करूँगा मत हटाओ, और ये लीगल भी है एंड आप पकड़े भी जा सकते हो। तो कोशिश करो कि कंपनी का जो सेटलमेंट है किसी भी तरीके, वो कंपनी आपके एक्सपीरियंस से या टर्मिनेशन लेटर से टर्मिनेशन वर्ड हटा दे वहाँ से। बाकी अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आप मेरे से कंसल्ट लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।